टोल का है कि ये अंगदारी करके हमारे के पैसे वसूल कर रहे हैं। गाड़ी पार होने के बाद आप खड़ा हुए हैं। जा गाड़ी साइड लगा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने बीच रोड लगा दी कच्चे माल की गाड़ी, ये कहते हुए कि अब नहीं हिलता यहां से, जो करना है कर ले। ये दिनूप टोल का है डीओ, ये रंगदारी करके हमारे के पैसे वसूल कर रहे हैं। ये देखो सीसी नंबर है, ये देखो ये टाइमिंग के गाड़ी की मार रहे हैं लोग। आड़ा करके गाड़ी वीडियो बना रहा है, उसको भी बना रहे हैं। हाथ दिया हूँ, हाथ दिया साहब, आप कुर्सी पे बैठ जाते, गाड़ी पार होने के बाद कौन लगा रहे थे? कसम से बोल रहा है आप, हमको हाथ नहीं दिया, बैठे थे। गाड़ी पार होने के बाद आप खड़ा हुए हैं, हाथ माना था ना, खड़ा होने के बाद आप बैठे थे। रात भर ऐसी कैसी करते हैं, रोड के बगल में आरटीओ साहब की दो दो गाड़ियां, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिखा है। गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं। वीडियो को तो आपने ध्यान से देख ही लिया कि क्या बहसबाजी चल रही है। कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर आखिर मसला है क्या। लेकिन ड्राइवर को देखिए, हौसले देखिए उसके। ये पतला दुबला छरहरे बदन वाला ड्राइवर अकेला भिल गया इन आरटीओ कर्मियों से, कहते हुए सुनता नजर आ रहा है कि बेवजह आपने मुझे रोका, गाड़ी पास हो चुकी थी, आपने हाथ का इशारा नहीं किया। आखिर ये मसला क्या है, क्यों रोका गया ड्राइवर को? आपको बता दें, वैसे तो ये वायरल वीडियो है, लेकिन ये वीडियो छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, दुर्ग का आरटीओ है। और यहाँ पर इस ड्राइवर ने ये आरोप लगाए हैं कि यहाँ रंगदारी चल रही है, बेवजह कोई ना कोई बहाना बनाकर ड्राइवर को रोका गया है। ड्राइवर जद्दोजहद करता नजर आ रहा है कि आपने गलत किया है, मेरी गाड़ी निकल जाने के बाद आपने रुकवाया है, कोई हाथ का इशारा नहीं किया। बैरिकेड लगा हुआ है साइड में, जिस पर लिखा है ठहरिए, यहाँ पर आरटीओ की चेकिंग जारी है। अब ये चेकिंग जारी है या कुछ और जारी है, ये तो ड्राइवर ही जाने, क्योंकि यहाँ हमारा संपर्क ड्राइवर से नहीं हो पाया। पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ आरटीओ कर्मी भी ड्राइवर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पास लाइसेंस ही नहीं है। कोई शख्स वहाँ पर वीडियो बना रहा है तो उसे कह रहे हैं कि बना ले जितनी वीडियो बनानी है। जा गाड़ी साइड लगा। छोड़िए, जितना वीडियो बनाना है बना ले, बिना ड्राइवर लाइसेंस के तू ड्राइव। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? अब एक बात जहन में ये नहीं पच रही है कि ड्राइवर जो लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलते हैं, क्या उनके पास लाइसेंस नहीं होगा? लेकिन आरोप तो लग रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। कौन सही कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। छत्तीसगढ़ के आला अधिकारी इस मसले पर ध्यान दें कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी। पता किया जाए कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं यहाँ ड्राइवरों को पकड़ कर रंगदारी तो नहीं की जाती, एंट्री तो नहीं ली जाती, क्योंकि अक्सर करके ऐसे ही मामले सामने आते हैं। अगर इनकी जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 9831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।